हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 17 नवंबर 2013 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इसमें से लगातार क्वेश्चन आ भी रहे हैं दोस्तों, जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें भी लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सोचने के लिए आपको वक्त मिलेगा। 5 सेकंड में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मिलाते रहेगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही प्रश्न है जो दोस्तों, चेस जो होता है उसका आविष्कार किस देश में हुआ। चेस जो खेलते हैं हम लोग, उसका आविष्कार किस देश में हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, जिसको शतरंज बोलते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार किस देश में हुआ है, ए बी सुनने से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। जानते हैं जैसा कि घोड़ा, आदि, सिपाही, ये सब होता है, तो ये भारत में ही है दोस्तों, ठीक है। चेस का आविष्कार कहाँ हुआ, भारत में। बी इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में बी आंसर किया है, बिल्कुल राइट है दोस्तों, मिलाते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ठीक है। पूरा आप लिखते रहिए, भारत, चीन, जैसे पूरा आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपको बताना है, यूएस जो है इसके प्रथम राष्ट्रपति का नाम। बहुत ही आसान है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। यूएस के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ऑप्शंस में से आंसर कीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। सी इसका सही आंसर होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। अरुंधति राय कौन है, अरुंधति राय जो है बहुत ही फेमस है इस टाइम, बहुत ही न्यूज में चल रही है, तो अरुंधति राय जो है वो कौन है, ए बी सी से आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो लेखक हैं दोस्तों, जिन लोगों ने आंसर ए किया है बिल्कुल राइट हैं, राइटर हैं, लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चार नंबर प्रश्न, चार नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि आंख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है। फोकल लेंथ का जो बदलाव है आंख के लेंस की, वो किसकी वजह से होता है, ए बी सी डी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो जो कारण होता है, जो वजह है, वो है सिलियरी स्नायु मसल, ठीक है। डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जिन लोगों ने डी ऐसा आंसर किया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कई बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पिछले जो आपके साल में एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है, इनमें से कौन सा है जो कि प्लांट हार्मोन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। प्लांट मतलब कि ये दोस्तों पौधे वाला, ठीक है। तो आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। ऑक्सीन जो है एक प्लांट हार्मोन है, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑक्सीन, ऑक्सीन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। छह नंबर प्रश्न, छह नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो बॉलीवुड से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ये बहुत ही फेमस फेमस पुराने कुछ जो आपके फिल्म हो या अभी जो करंट में फिल्म आ रहे हैं उनको भी देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रोवर्सी हुआ हो उस फिल्म पे, ठीक है। तो कुछ फेमस जो आपके फिल्म है उनको देख लीजिएगा, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 बीघा जमीन के मुख्य अभिनेता कौन थे, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए। 2 बीघा जमीन जो है इसके मुख्य अभिनेता कौन थे।
तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी, बलराज साहनी जो है ये मुख्य अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न हमारे पास आ चुका है। इसमें आपको बताना है फिल्म ज्वेल थीप में अभिनेता देवानंद की जोड़ी किस अभिनेत्री के साथ था, मतलब इस फिल्म में देवानंद के साथ जो अभिनेत्री थी उनका नाम आपको बताना है। एबीसीडी से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया हो। बैजंती माला, डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बैजंती माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देवदास के लेखक का नाम आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसमें से सही आंसर क्या होगा, देवदास के लेखक कौन है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा, डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। शरद चंद्र जो हैं चटर्जी, वो हैं शरद चंद्र जो चटर्जी हैं वो हैं लेखक देवदास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसमें अब आपको बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एबीसीडी में से आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा जीवी मावलंकर जो है वो सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने सी आंसर किया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें 35 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किए जाते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है। एबीसीडी से आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। जानते हैं प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, बी इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने बी आंसर किया है बिल्कुल राइट है दोस्तों। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आ चुका है दोस्तों। लोकटक जो झील है, सरोवर है, ये कहाँ पर है। एबीसीडी में से आंसर देने का प्रयास कीजिए, कहाँ पर है पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया और सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मणिपुर, मणिपुर में है लोटक लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न है, कौन से परिवहन का प्रकार परिवहन नुकसान और विलंब कम करता है। एबीसीडी में से आंसर देने का प्रयास कीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। सबसे अच्छे तरीके से कैसे होगा, पाइपलाइन से होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिन लोगों ने डी आंसर किया है बिल्कुल राइट है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें आपको बताना है इब्न बतूता जो है वो कौन था। एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इब्न बतूता जो है मतलब कौन था, कौन सा मुसाफिर था। एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा, मारो कौन मुसाफिर था दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी आंसर किया है बिल्कुल राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन का 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों,
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। संतोष यादव यहाँ से गैप कर देता है तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रथम महिला जिसने माउंटेन, मतलब कितनी बार इन्होंने जो है चढ़ा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चढ़ी ही नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कि माउंटेन एवरेस्ट जो है इस पर इन्होंने क्या किया है। एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा, 2 बार इन्होंने चढ़ा है, ठीक है। प्रथम महिला है, भारतीय महिला है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर, शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया, और सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शिवाजी हॉकी स्टेडियम जो है नई दिल्ली में है, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसका मुद्रा मूल्य यानी कि मनी वैल्यू है, किसका मुद्रा मूल्य है वो बताइए, पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। जीएनपी जो है यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसका मुद्रा मूल्य है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अर्थव्यवस्था में अंतिम माल और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन का, अंतिम माल जो है और जो सेवाएं हैं उनके वार्षिक उत्पादन का जो है मुद्रा वैल्यू, मनी वैल्यू है, ठीक है, जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, इसमें आपको बताना है किस भारतीय व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी, अमर सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्वरूप हिमशिला से बनता है, भूस्वरूप कौन सा है जो हिमशिला से बनता है, एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, गिरिताल, गिरिताल को आप सही करेंगे, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जिन लोगों ने ए आंसर किया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, इसमें आपको बताना है सूर्य में से निकलती विकिरण ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह क्या कहलाती है। ये बोल रहा है कि सूर्य में से जो निकलती है विकिरण ऊर्जा जो कि पृथ्वी पर पहुंचती है वो क्या कहलाती है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, जब पृथ्वी पहुंचती है इसको बोलते हैं सूर्य ताप या सूर्य ताप, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात नहीं, इनमें से कौन है जो चक्रवात नहीं है, ए बी सी डी से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा है जो चक्रवात नहीं है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी, सिरोको जो है वो चक्रवात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बाकी तीन जो हैं ये तीनों चक्रवात हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात क्या है? जल और भूमि का अनुपात क्या है दोस्तों पृथ्वी पर? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात सही एबीसीडी सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह बी, 71 संबंधे 29, 71 और 29 का है। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 22 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि चीन जो है सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल से भी उगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। और जायद का जो फसल है दोस्तों, ये आपका चारे के लिए भी जो है, पशुओं के मवेशियों के चारे के लिए भी उपयुक्त में होता है, चारा के लिए, जो मक्का है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? एबीसीडी में से आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। पल्प जो है वो वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। पल्प आप जानते हैं, पल्प फलों से संबंधित है, ये वस्त्र उद्योग संबंधित नहीं हो सकता है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कौन सा जो सूत्र है वह जो संबंध है वह सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कौन सा सही है इसमें। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है जो दोस्तों बी, वेग या औसत वेग आप निकालेंगे, समय आपका नीचे ही रहेगा, तो आप इससे देख के ही पता लगा सकते हैं, यही बी इसका सही आंसर होगा, सूत्र यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस का अभिसरण करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए कौन सा लेंस का अभिसरण करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। देखिए दोस्तों ये सारे जो प्रश्न है 2013 नवंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, उसी प्रश्न पत्र से मैंने लिया है ग्रुप डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 27 नंबर जो प्रश्न है, ये एकदम टॉप पे बना हुआ है और लगातार इस भी एग्जाम में आ रहा है, और आपका एलपी में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में भी, चारों दिनों में 3 दिन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिन विश्व जल दिन से मनाया जाता है, मतलब कौन सा जो है वो मतलब वर्ल्ड वाटर डे है? कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, और आगे भी ये आ सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा डी, 22 मार्च जो है वो विश्व जल
दिवस है, यानी कि दिन है, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न में शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है, कौन सा है, एबीसीडी में से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर दो आप कर सकते हैं, सी डी, लेकिन क्वेश्चन जैसा बोलेगा उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। जब पानी को अलग करता है रक्त से, ऐसा कुछ आएगा तो आप गुर्दा पे टिक करेंगे, किडनी पे टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर पूछ देता है कि ऐसे ही बोल दे रक्त को शुद्ध करता है और दोनों ऑप्शन में हो, तो आप सी पे हमेशा टिक करेंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा हृदय, सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है, मतलब 1 मिनट में। आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ए, 70 से 80, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 30 यानी कि 30 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर, सभी लोग आंसर दे देंगे, बहुत ही आसान है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या को क्या कहते हैं, जो संलयन की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, निषेचन कहलाता है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में महिला की संख्याएं पुरुषों की संख्याएं से ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं इन ऑप्शंस में से, जिनमें महिला की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, एबीसीडी में से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। इसका सही आंसर होगा डी, यानी पुदुचेरी, ठीक है, या पुंडुचेरी, डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यहां पर जो है महिला की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो 32 यानी 32 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया। और ग्रीन हाउस का असर है दोस्तों, ग्रीन हाउस असर है दोस्तों, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, 33 यानी कि 33 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, कौन से देश ने वर्ष 2022 तक न्यूक्लियर मुक्त होने का निर्णय लिया है, कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने 2022 तक न्यूक्लियर मुक्त होने का निर्णय लिया है, एबीसीडी में से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा ऐसा देश है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी ने दोस्तों 2022 तक न्यूक्लियर मुक्त होने का निर्णय लिया है, सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 34 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 34, ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना द्वारा कौन से शहर में मारा गया, कौन से शहर में मारा गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना द्वारा कौन
कौन से शहर में मारा गया? तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एबटाबाद। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डी जिन लोगों ने राइट किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद बताइएगा आपने कितने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। 35 क्वेश्चन में से 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसके बाद बताइएगा आपने 35 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार है? मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है क्षेत्र है जिसमें सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार है? एबीसीडी में से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा कि आपने 35 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं। साथ ही साथ आपको ये हमारा सेट कैसा लगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है यहाँ पर सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार है, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें कि आपको ये हमारा सेट, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें जिससे और भी लोगों को पता चल सके इन क्वेश्चन के बारे में जो आपके रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।